73 साल पहले 3 गोलियां चली और उस एक पल ने हमसे एक ऐसे व्यक्ति को छीन लिया जिसने ना सिर्फ भारत को 200 साल पुरानी गुलामी से मुक्त करवाया बल्कि समाज, देश, व्यवस्था को लेकर बेहद साधारण दिखने वाले विचार पेश किए। नमस्कार, मैं हूं वरुण श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। शहीदी दिवस, इस दिन को हम हिंदुस्तानी बेहद ही खास अंदाज में मनाते हैं। इस दिन हम देश के लिए जान गवा देने वाले शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया। वैसे तो हम हिंदुस्तानी हर साल 2 दिन शहीदी दिवस मनाते हैं। सबसे पहले शहीदी दिवस, जिसे हम सर्वोदय दिवस भी कहते हैं, वो 30 जनवरी को मनाया जाता है और दूसरा शहीदी दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। दोनों ही शहीदी दिवस अलग अलग तारीखों पर और अलग अलग वजहों की से मनाया जाता है, लेकिन 30 जनवरी वाला शहीदी दिवस महात्मा गांधी के साथ साथ उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। आखिर शहीदी दिवस के दिन महात्मा गांधी को ही क्यों याद किया जाता है, चलिए आपको बताते हैं। 30 जनवरी 1948 की शाम चली 3 गोलियों की आवाज़ से न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया दहल गई। बिरला हाउस के आंगन में चली इन गोलियों की आवाज़ दुनिया के कोने कोने में सुनाई दी। आखिर इन गोलियों की आवाज़ ने उस आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जिसे सुनने के लिए दुनिया ठहर जाती थी। उस वक्त के सबसे बड़े सम्राट में यह आवाज़ तिरहन पैदा कर देती थी क्योंकि इस आवाज़ ने बहुत से कमज़ोर देशों में उम्मीद की किरण पैदा कर दी थी। इस आवाज़ को सुनकर बहुत से कमज़ोर लोगों को अपनी ताकत का एहसास हुआ। देश को आज़ाद कराने में इस आवाज़ का अहम योगदान रहा मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी हिंदू सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते थे और तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कटिया इलाके के पोरबंदर के दीवान थे। माता पुतलीबाई धार्मिक महिला थी और गांधी जी के जीवन पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। सत्य, अहिंसा, शाकाहारी जीवन, आत्मशुद्धि के लिए विश्वास और धर्म का पालन उन्हें अपनी माँ से ही विरासत में मिला। मई 1883 में उनका विवाह महज 13 साल की उम्र में कस्तूरबा माखन जी के साथ कर दिया गया। 4 सितंबर 1888 को गांधी जी कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। गांधी जी भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति के लिए उन्होंने अहिंसक विरोध सिद्धांतों को अपनाया जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली। विश्व स्तर पर महात्मा गांधी जी सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि गांधी जी शांति और अहिंसा का प्रतीक भी माने जाते हैं। गांधी जी अपने अनुयायियों में राष्ट्रपिता के रूप में लोकप्रिय हुए और उन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है। कई नेताओं के साथ हजारों लोगों ने उनका समर्थन किया और उनके नक्शे कदम पर चले। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली। अंग्रेजी सरकार द्वारा नमक के ऊपर कर लगाने के विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल यात्रा निकाली जिसे डांडी मार्च, नमक मार्च और डांडी सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा गांधी जी ने कई अन्य आंदोलन किया और फिर जाकर हमें 1947 को आज़ादी मिली। मगर कोई था जिसे गांधी जी की यह आदत पसंद नहीं थी और कई बार प्रयास करने के बाद आखिर 30 जनवरी 1948 की शाम गांधी जी को उस वक्त गोली मार दी गई
जब वो रोज की तरह दिल्ली के बिरला भवन संध्याकालीन प्रार्थना पर जा रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे उनके पैर छूने के लिए नीचे झुका और उसके बाद उसने महात्मा गांधी के सामने पिस्तौल तान ली और लगातार 3 गोलियां दाग दी। गांधी जी के अंतिम समय पर एक नाम निकला, हे राम। इसके बाद उनकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। जब गांधी जी को गोली लगी तो उस वक्त वो अपने अनुयायियों के से घिरे हुए थे। गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या उनकी प्रार्थना सभा में जाने से पहले कर दी थी। हादसे के बाद गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। 8 नवंबर 1949 को गोडसे का ट्रायल हुआ और पंजाब हाई कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुना दी। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी को याद किया जाता है। इस दिन एक खास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी हमें लिखें। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।